एक समय की बात है, एक राजकुमार अपने सुंदर बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक उनके मन में ख्याल आया, बगीचे से उन्हें क्या फायदा है। राजकुमार ने आम के पेड़ से पूछा, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। आम के पेड़ ने जवाब दिया, गर्मी में मेरी शाखाएं मीठे आमों से लज जाती हैं, माली उन्हें इकट्ठा करके आपको व आपके मेहमानों के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे आपको व आपके मेहमानों को मीठे आमों का फायदा मिलता है। इस पर राजकुमार ने कहा, शाबाश। फिर राजकुमार ने विशाल वट वृक्ष से यही प्रश्न किया। उस वट वृक्ष ने उत्तर देते हुए कहा, सुबह सुबह जो पक्षी मधुर गीत गाकर आपको उठाते हैं, वह चहचहाते पक्षी मेरी शाखाओं पर आराम करते हैं। मेरी फैली हुई शाखाओं के नीचे ही आपके राजमहल की भेड़, गाय व भैंसे भी आराम करती हैं। वटवृक्ष के इस जवाब को सुनकर राजकुमार ने कहा, शाबाश। अब राजकुमार ने घास से पूछा, तुम मेरे लिए क्या कर रही हो। घास ने राजकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आपके राजमहल की भेड़े व गायों के लिए हम अपना बलिदान देते हैं, वे हमें खाकर अपना पेट भरते हैं और उनका पेट भरने के बाद ही वो आपको दूध उपलब्ध करवाती हैं। राजकुमार घास के इस जवाब को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद राजकुमार आगे बढ़े और राजकुमार ने एक नन्हे डेजी फूल से कहा, नन्हे मियाँ तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। डेजी फूल ने कहा, कुछ नहीं, मैं आपको ना तो मीठे फल दे सकता हूँ, ना ही आपके पक्षियों को घोंसला बनाने लायक कोई स्थान दे सकता हूँ। यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह बस इतना है कि जितना हो सके मैं एक सर्वोत्तम नन्हा डेजी बनूं। नन्हे डेजी फूल की ये शब्द राजकुमार के दिल को छू गए। घुटनों के बल झुककर उन्होंने नन्हे डेजी को चूम लिया और कहा, शाबाश। नन्हे फूल, तुम जैसा कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास और अपने सामने रखूंगा अपने राजमहल में, ताकि मुझे यह महान सच्चाई हमेशा याद रहे कि मैं जहां तक हो सकता है अपने अंदर सर्वोत्तम बनने की इच्छा शक्ति को विकसित करूं। यह मेरे जीवन की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ऊंची उपलब्धि हासिल करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करने की प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है, बशर्ते कि हम हर समय अपनी जागरूकता बनाए रखें। और यह तभी संभव होगा जब हमारा नजरिया सकारात्मक होगा। इस प्रसंग में राजकुमार ने प्रकृति के सौंदर्य से विमुग्ध होकर स्वयं सर्वोत्तम बनने की इच्छा शक्ति को अपने अंदर विकसित किया। दोस्तों, इस पर किसी ने खूब कहा है, कमजोर लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं, जबकि महान लोगों में इच्छा शक्ति होती है। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुकाने की ताकत भी रखता है, क्योंकि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही हमें सफलता के मार्ग तक ले जाती है। तो दोस्तों, अपने अंदर इच्छा शक्ति को प्रबल कीजिए और आप अपने अंदर ये बदलाव पाएंगे कि आप तेजी से अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।